हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हिंदी में इसे धातु और अधातु कहते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि ऑब्जेक्टिव है, कह सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव है, अदरवाइज ये वन मार्कर क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर्स में जो आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, मिड टर्म एग्जाम्स जो होने वाले हैं नवंबर में अक्टूबर में, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि वाइस टाइटेनियम कोला स्ट्रेटेजिक मेटल, जो टाइटेनियम है उसको स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों कहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स या मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक धातु क्या होती है। जो एलिमेंट्स को या जिन मेटल्स को हम वॉर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब लड़ाई के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड किसी चीज़ में यूज़ किया जाता है, उनको स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है। सो क्वेश्चन है कि जो टाइटेनियम धातु है उसको ऐसा क्यों बोला जाता है और उसकी दो प्रॉपर्टीज़ बताइए जो इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करती हैं कि हाँ ये चीज़ जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट थिंग टाइटेनियम के बारे में कि इसे स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स इसे स्ट्रेटेजिक मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका, ये जो मेटल है टाइटेनियम धातु है, इसका यूज़ वॉर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, जो कि लड़ाई में इक्विपमेंट्स सामान की ज़रूरत होती है उसमें इसकी ये हेल्पफुल होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, जो ये यहाँ तक का क्वेश्चन है इसका आंसर, वाई टाइटेनियम कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल, सो आंसर है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्टेन वॉर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है। इसके बाद में इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मेंशन टू प्रॉपर्टीज विच मेक इट सो स्पेशल, आपको दो प्रॉपर्टीज बतानी है जो इस टर्म को या जो ये टाइटेनियम धातु है इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया है। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट एलिमेंट होता है, ठीक है। अब लाइट वेट होने के साथ साथ इसमें एक और इसकी प्रॉपर्टी है, इसका इंपॉर्टेंस है कि ये लाइट वेट तो होता है लेकिन बाकी और मेटल्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, वो ये है कि इसे ये इसमें कोरोजन नहीं होता। कोरोजन का मतलब होता है जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है ना, मतलब कि लेयर चेंज हो जाती है, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं कि एक धातु है उसके ऊपर एक अलग तरीके की लेयर आ गई, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। चाहे आप इसे काफ़ी लंबे टाइम तक एटमोसफेयर में छोड़ देंगे, एयर में छोड़ देंगे, उसके बाद भी इसमें ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये इस एलिमेंट की, इस धातु की ये स्पेशलिटी है। नाउ यू कैन सी लाइट इन द वेट बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉगर देन द अदर मेटल्स, तो लाइट वेट तो होता है लेकिन बाकी मेटल्स के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड पॉइंट है, नॉट अफेक्टेड बाय द कोरोजन इवन इफ इट कैप्ट इन द ओपन फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, अगर इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक ओपन एयर में भी छोड़ देंगे तो भी ये इसमें कोरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कौन सा मेटल है जिसकी फॉइल्स को हम एज अ फूड मटेरियल पैकिंग में यूज़ करते हैं, मतलब कि खाना ले जाने में, लाने में, उसमें उसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही कॉमन सा है और ये घर में सबने ही देखा हुआ है एलिमेंट, एल्यूमिनियम फॉइल या फॉइल पेपर जिसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, नेम द मेटल हूज फॉइल्स आर यूज फॉर द पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल, तो वो धातु जिसको फूड मटेरियल की पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, सो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एल्यूमिनियम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटल्स, आपको दो नॉन मेटल्स, दो अधातु बतानी है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि धातु और अधातु, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, इनकी ना सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, तो ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसी दो धातु आपको बतानी है कि जो सॉलिड स्टेट में, मतलब कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सो इसका आंसर है, फर्स्ट है सल्फर एंड सेकेंड वन इज फॉस्फोरस। इसमें हमारे पास टोटल दो नॉन मेटल्स है, दो अधातु हैं, फर्स्ट है सल्फर, सेकंड वन इज फॉस्फोरस। तो अब वन बाय वन मैं आपको दोनों के कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है सल्फर, सल्फर का सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए जिसको एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। उसके अलावा ये अबंडेंट है, अबंडेंट का मतलब होता है कि जो नेचर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एग्जिस्ट करता है। कौन सा नॉन मेटल? सल्फर, ठीक है। इसके अलावा ये मल्टीवैलेंट है और नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटल है ये तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है क्योंकि ये नॉन मेटल में ये आंसर है, तो ऑब्वियसली ये एक अधातु है, मतलब कि सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है। इसके अलावा जब ये है ना यहाँ पे सॉलिड स्टेट में
एग्जिस्ट करता है। तो ये सॉलिड स्टेट जो है ना वो किस टाइप में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टल्स होते हैं ना जैसे शुगर के, चीनी के, नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, तो ऐसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा जो सल्फर है इसका जो कलर है वो ब्राइट येलो होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सल्फर से रिलेटेड। इसके अलावा कि ये नॉन मेटल क्यों है, क्यों इसको अधातु कहा जाता है, तो ये पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए ऊष्मा का ये कुचालक होता है, इसलिए इसको नॉन मेटल अधातु बोला जाता है। इसके अलावा वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि जो सल्फर है इसके यूजेस क्या है, तो इसको गन पाउडर के लिए यूज किया जाता है, जो गन पाउडर होता है उसमें इसका यूज होता है, उसके अलावा पटाखे बनाने में भी इसका कुछ पोर्शन यूज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नेक्स्ट नॉन मेटल है, नेक्स्ट अधातु है, वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस पी से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है, इसका सिंबल होता है पी। मतलब जैसे सल्फर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही जो फास्फोरस है इसको पी से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो फास्फोरस है हमारे अर्थ में या नेचर में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी दो मेजर फॉर्म होती है, एक होता है व्हाइट फास्फोरस और एक होता है रेड। ठीक है, सफेद एंड रेड कलर का जो फास्फोरस है, दो मेजर फॉर्म्स है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा फास्फोरस से रिलेटेड। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जो फास्फोरस है हमारा नॉन मेटल, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए जो ये अर्थ में फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, एज अ फ्री एलिमेंट ये अर्थ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फास्फोरस का वो कि ये फायर को, आग को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, इजिली फायर को कैच कर लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सल्फर एंड फॉस्फोरस से रिलेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है टू नॉन मेटल्स और इन गैसियस स्टेट। जैसे हमारे पास दो नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें आपने आंसर लिखा सल्फर एंड फास्फोरस। ऐसे ही आपसे दो नॉन मेटल्स पूछे गए हैं जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सो इसका आंसर है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसको एन से डिनोट करते हैं और इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको सल्फर एंड फास्फोरस का बताया, ऐसे ही बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट धातु अधातु हैं, जिसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक एक धातु के ऊपर, एक एक अधातु के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि जो एक मेटल आपको बताना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। सबसे पहले एक ऐसी धातु बतानी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो इसका आंसर है गैलियम। गैलियम को GA से डिनोट करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 31 होता है। इसके अलावा ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 13 में आता है, टोटल जो समूह होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में वो 18 होते हैं, जिसमें से 13 नंबर पे ये आता है और 7 पीरियड्स होते हैं। इसके बाद में गैलियम के लिए और इंपॉर्टेंट इसके यूजेस कहाँ पे हो सकते हैं, सो जो गैलियम है इसको थर्मामीटर में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसके अलावा जो ब्लू रे टेक्नोलॉजी है, या फिर जो मोबाइल फोन्स है, या फिर जितनी भी टच सेंसर्स वाली जो चीज़ होती है, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस जहाँ पे टचिंग जो टच सिस्टम है या सेंसर्स उसमें लगे होते हैं, उस चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मेटल, वो धातु बतानी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, मतलब कि ऊष्मा की कुचालक, ऐसी धातु का आपको नाम बताना है। सो इसका जो आंसर है वो है लेड। लेड को PB से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको गैलियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, ऐसे ही जो लेड है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 होता है, PB इसका सिंबल है। इसके अलावा इसको कार बैटरीज में यूज किया जाता है। और इसके बाद में लेड के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो लेड होता है वो मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है जिसको शीट्स में पीट कर शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली पतली शीट्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको कोई ऐसी अधातु बतानी है जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी की। एंड इसका जो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है एक धातु, मतलब कि पहले आपको एक अधातु बतानी है जो कि कंडक्टर, गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी की। सो इसका आंसर है ग्रेफाइट। एंड इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ऐसी धातु बतानी है जो कि गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें आंसर है सिल्वर। देखिए इन दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट में आपसे नॉन मेटल अधातु पूछी हुई है एंड नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे धातु के बारे में पूछा हुआ है। जब आपको अधातु बोला जाएगा तो उसमें आंसर आप ग्रेफाइट लिखेंगे, जब आपसे धातु पूछा जाएगा तो उसमें आप सिल्वर लिखेंगे, जिसका सिंबल AG होता है। इसके अलावा जो मेटल्स में जो धातु है सिल्वर, इसको ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने में भी यूज किया जाता है, या फिर जो स्वीट डिशेस होती हैं, स्वीट्स होती हैं, उनमें ऊपर
चांदी का वर्क किया जाता है, एक पतली सी लेयर उस पर लगाई जाती है और इसको हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब।